ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट 839 पन्नों की है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि ज्ञानवापी परिसर पहले प्राचीन हिंदू मंदिर था, वहां मंदिर के अवशेष मिले। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। एएसआई ये कह रहा है कि जो एक जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं थ्री चेंबर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं एसर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवाल है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवाल है ये पश्चिमी दीवाल एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट स्टेप नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है, अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग, मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन। पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशन। मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके।